सो गाइस, यहाँ पर जो वर्कर होते हैं ना मलेशिया के अंदर, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान के बंदे रहते हैं। तो आप ये फ्लैग देख रहे होंगे, पाकिस्तान का फ्लैग है ये। इनका देखिए अभी ना सामान है, और ये देखो बेड, ये फोम ऐसे ही पड़े हुए सामान। तो अभी जो सभी स्टाफ काम पे गए हुए हैं, तो सुबह जब बंदा काम पे जाता है तो कोई स्पाइस पे कोई ध्यान नहीं होता, प्रदेश की ज़िंदगी यही होती है, तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। शाम को आते हैं तो करते ही देखो, इस रूम के अंदर भी ये एक पंखा है, और ये बेड देखो कपड़े ऐसे ही है। मतलब जो भी जितने भी प्रदेशी प्रदेश के अंदर रहते हैं ना, तो उनकी लाइफ ऐसे ही होती है। ये तो मैंने दिखा दिया बाहर का हॉल का। एक ये कमरा देखो, ये भी इसमें भी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ। ये सब मतलब यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी सब मतलब साथ ही रहते हैं यहाँ पर। ये किचन है देखो। हाँ कोई बात। ये यहाँ पर एक रूम हो रही है, इसमें लाइट ऑन। इसका लाइट किधर है सामान? हाँ खोल दिया खोल दिया। ये पंखा देखो कितना बड़ा पंखा लगा हुआ। ये प्रदेश की लाइफ है देखो। फर्श पे पड़ के सो जाते हैं, जहाँ मर्जी कार्टून मिले कार्टून पे सो जाते हैं। ये कपड़े लगाए हुए सामान ऐसे पड़ा हुआ देखो, एलसीडी भी ऐसे ही पड़ी हुई है ये। और बाहर वाली साइड में दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर ये टॉयलेट बाथरूम है। ये देखो कपड़े कैसे टंगे हुए। ये प्रदेशी की लाइफ है। यहाँ पर ये शावर रूम है, जो बाथरूम बोलते नहानी, यहाँ पर ये टॉयलेट है। और यहाँ पर भी एक ये अपार्टमेंट है देखो, ये बाहर का नज़ारा है। ये नीचे कार पार्किंग है, ये दिखा दे बाहर का ये नज़ारा है। ये रात का टाइम है, ये देखो ये भी अपार्टमेंट ही है। तो यहाँ पर ये डंबल वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो शाम को अगर काम से आते हैं तो बंदे थोड़ी जिम सिम भी कर लेते हैं। ये हुक्का भी रखा हुआ है, ये जिसको शीशा बोलते हैं यहाँ पर। और ये देखो इनका छोटा कैबिनेट है, ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये देखो बर्तन भी ऐसे पड़े हुए हैं। मतलब सुबह लोग जब काम पे जाते हैं ना, जो भी उनका कपड़े वगैरह जो भी होता है सब कुछ ऐसे छोड़ के जाते हैं, शाम को आके क्लीन करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं। ये देखो ये सामने पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर बंदे हैं ना पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो सभी मतलब अगर कोई इंडियन है इंडियन वाला फ्लैग लगा पाएगा, अगर मलेशिया का भी लगाया और रिस्पेक्ट के लिए देखो मलेशिया का फ्लैग है। ये लाइफ है प्रदेश की। बहुत सारे भाई सोचते हैं कि प्रदेश में जाएगा स्टैंडर्ड से रहेगा, भाई स्टैंडर्ड का कोई लाइफ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर जैसा भी रूखा सूखा मिलेगा खाना पड़ेगा, रहने के लिए जैसा भी माहौल होगा उधर ही रहना पड़ेगा। ये देखो ये शीशा भी लगा हुआ है, मैंने पूरा दिखा दिया। इसके अंदर ये एक दो तीन तीन रूम है और ये हॉल है। ये देखो ये पूरा, यहाँ बाहर में तीन चार आदमी सोते हैं, अंदर रूम में भी एक दो आदमी सोता है, उस सामने वाले रूम में भी एक दो आदमी सोता है, और उसमें एक बंदा सोता होता है। तो अभी जब आएंगे मैं वो बंदे भी आपको दिखाएगा सबको। तो दोस्तों हम आ गए, ये कंपनी का हॉस्टल है, आप देख सकते हो ये। तो ये सामने जूते रखे हुए देखे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मलेशिया के अंदर घरों के अंदर जूते अलाउड नहीं होते। ये एक सामने भाई खड़ा हुआ, ये शायद बांग्लादेशी है, ये सब्जियाँ काट रहा है। ये देख सकते हैं छोटे रूम के अंदर ये चार बेड लगे हुए, एक रूम के अंदर चार बेड लगे हुए हैं। तो मैंने बताया था जैसे कि छोटे छोटे रूम के अंदर चार चार बंदे रहते हैं हॉस्टलों के अंदर, कंपनी के हॉस्टल में ऐसे ही रहना पड़ता है। ये टॉयलेट बाथरूम है, ये कंपनियों की जो हॉस्टल की जो टॉयलेट बाथरूम होती है ऐसी ही होती है ये। तो ये एक रूम है, ये बंद पड़ा हुआ है तो इसमें हम नहीं जा सकते। तो अभी मैं बाहर दिखा देता हूँ, ये जो हॉल है हॉल काफ़ी साफ सुथरा है, देख सकते हो आप। ये फर्श कितना अच्छा है, टुकड़ियों टुकड़ी लगी हुई है फर्श के अंदर। ये देखो ये बेड शीट भी दी हुई, जो गद्दे दिए हुए हैं। तो अगर ज़्यादा बंदे हैं तो डबल बेड, जैसे कि ऊपर नीचे भी सोने के लिए है, एक बेड में दो दो बेड लगे हुए हैं, तो ऊपर भी सो सकता बंदा नीचे भी, ये देख सकते हो आप। ये तो इस हॉस्टल के अंदर तकरीबन तकरीबन 50 आदमी रहते हैं, जो कि मैंने रूम खोल के नहीं दिखाए, तो मैंने ये बाहर से दिखा दिया है। तो अगर आप कंपनियों के इधर रूम है देख सकते हो आप, ये आगे भी रूम है, ये स्टोर रूम दिख रहा है, सामान पड़ा हुआ है स्टोर रूम में, ये रूम है, फिर आगे रूम है,
मैं रूम किसी के चेक नहीं कर सकता, लेकिन इधर और भी रोके इधर, तो ये इधर टॉयलेट बाथरूम दिख रहा है। तो हम ये वापस चलते जहाँ पर और भी पीछे लोग रहते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। ये भाई बैठा था इधर, मैं अंदर में आपको दिखा देता हूँ। ये वो आनंद बाथरूम में गया जिससे मैंने अभी बात किया था। तो ये देख सकते हैं, अब ये इनका सामान रखा हुआ है, ये इधर कपड़े वगैरह, पंखे वगैरह, ये नीचे ही सोते। वो देखो ये बिस्तर, ये इधर भी कपड़े रखे हुए हैं। और इसके यहाँ पर जो मलेशिया का फर्नीचर है उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक खटमल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम है ना, बारिश होता रहता, तो उसकी वजह से। ये सामने फिर टेम्पल्स है, इसलिए ये सब नीचे सोते हैं। ये देखो ये फिश है, ये फिश रखा हुआ है, फिश इसके अंदर। ये भाई का बिस्तर, ये इधर भी देखिए, उधर बिस्तर की उधर। ये सब लोग काम से नहीं आए हैं, वो एक आनंद आ रहा है इस चीज़ से मैंने अभी बात किया। ये इधर टेम्पल्स बना हुआ है इन भाई, देख सकते हो इतना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पर सब लोग हैं, हिंदू भी, मुसलमान, यो इंडोनेशिया का मुस्लिम है एक, और एक पाकिस्तानी भी रहता है वो जो काम से नहीं आया है, एक क्रिश्चियन है। ये इनका जिम जिम भी है इधर भी, देख सकते हैं। अभी ये जिम का सामान पड़ा हुआ है, डंबल वगैरह, ये डंबल पड़ा हुआ है, मशीन है। ये वाईफाई भी लगवाया है इन्होंने, वाईफाई भी है इधर, ये देख सकते हैं आप। और ये इधर देख सकते हैं आप, ये फिल्टर मशीन है, जो वाटर फिल्टर पानी करके पीने का होता है वो मशीन है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ थोड़ा। ये अभी शाम का टाइम है, अभी देख सकते हैं ये बिल्डिंग में पीछे ये मार्केट है पूरी, ये देख सकते हो आप, ये पूरी मार्केट है इधर। तो ये भाई इधर रहते हैं, ये तो देख सकते हैं, ये इधर एक लैपटॉप भी पड़ा हुआ है। तो ये है इनका रहने सहने का। वैसे देखो पूरा अच्छा है, नीचे सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट तो रहना नहीं, किसी ने एक साल दो साल काम किया तो बाद में अपने घर चले गए, तो इन्होंने इधर ही टाइम बिताना है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर सोते हैं। सोने का अच्छा है, रहने का अच्छा है, पंखे है अलग है, और उधर रूम भी है, क्योंकि और रूम है उसके अंदर कोई और रहता है, मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन रहने का इनका अच्छा है, बिल्कुल पूरा परफेक्ट है। यह है जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो ये कंपनी की तरफ से इनको रूम मिले हुए है। तो ये इस तरह के रूम होते हैं, जैसे कि अपार्टमेंट के अंदर है, ये अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ये इनका किचन है, ये किचन का सारा सामान मिला हुआ इनको। यहाँ पर भी भाई, एक भाई सोया हुआ, एक दूसरे का बेड लगा हुआ है। तो एक कमरे के अंदर दो दो तीन तीन बंदे सोते हैं। यहाँ पर इनका टॉयलेट बाथरूम है, उसके बाद फिर ये अलग से एक और कमरा है इधर साइड में, ये इनका किचन होगा। यहाँ पर ये जैसे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए बालकनी है, इन्होंने अच्छे से सफाई नहीं किया हुआ, लेकिन सफाई रखनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ ये अपना, और एक कमरा ये है, एक बेड लगा हुआ इसमें, ये इनका सामान, एक टॉयलेट बाथरूम ये इधर भी है, ये मास्टर रूम है। यहाँ पर भी एक टॉयलेट बाथरूम है, और यहाँ पर एक भाई ये रेस कर रहा है, रेस मशीन रखी हुई है, रनिंग मशीन है ये, जो कि इनको एक कंपनी की तरफ से मिली हुई है, वहाँ से लेके आई हुई है कंपनी की तरफ से। ये अपार्टमेंट है, और ये सामने दूसरे रूम भी है, देख सकते। इसमें फ्लैट के अंदर मतलब पाँच बंदे दिन में रहते, पाँच रात में। तो ये अभी ये रात वालों की ड्यूटी ख़त्म हो गई, ये रूम पे आए हुए, तो रात में वापस ड्यूटी पे जाएंगे, और पांच अभी दिन में ड्यूटी पे गए हुए। तो ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर ये दस आदमी काम करते हैं, पांच दिन में पांच रात में। ये फ्रिज में इनका सामान वगैरह, सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है, ये खाना घर पर ही बनाते हैं। तो ये इनका सामान इधर भी रखा हुआ है, जैसे एक्स्ट्रा सामान जो भी इनका खाने पीने का सामान है, ऑयल पाउडर वगैरह जो भी रखते हैं। इनके लगेज भी इधर ही पड़े हुए हैं। तो ये फ्लैट है, और ये है कंस्ट्रक्शन वालों का। जैसे कई वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन वालों को रिहाइश कई जगह उधर ही मिल जाती है, जो कि ये टीन के घर बनाए होते हैं, इनका कोई भी किराया नहीं होता, ये फ्री में होते हैं। अदरवाइज अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहाँ पर आपको खुद किराया देना पड़ता है, लेकिन जो ये टीन के घर बने हुए हैं यहाँ पर, ये कंपनी की तरफ से है। तो ये देख कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ इधर ये, और ये क्रेन मशीन भी है, ये सामान को उठाने के लिए जो भारी सामान है। और ये नीचे कुछ भाई
अभी बारिश हो रही है तो ये कुछ अंदर में आराम कर रहे हैं, और सामने मैंने जूम करके आपको दिखा देता हूँ ये, और ये कुछ भाई नीचे भी घूम रहे हैं बारिश की वजह से, अभी बाहर आए हुए हैं ये। यहाँ पर एक स्कूल बन रहा है जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक बस स्टॉप है, ये बस स्टैंड है छोटा सा, उसके ऊपर से मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जाना अलाउड नहीं होता कंस्ट्रक्शन साइट पे। जिन बंदों के पास कार्ड होता है वही जा सकता है जो कि कंस्ट्रक्शन में काम करता है। तो ये ऑलमोस्ट स्कूल बन के तैयार हो गया है, ये बाहर भी काम कर रहे हैं, देखिए जो रोड को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोरी वगैरह आती है तो यहाँ पर ये जो कीचड़ वगैरह जो कचरा वगैरह गिर जाता है उसको साफ़ कर रही हैं। तो ये अभी स्कूल खुलने वाला है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया, 1.5 से 2 साल हो गए बिल्डिंग बन रही है। मैंने एक दो वीडियो और पहले भी बनाए हैं इस पे, जब ये बिल्डिंग बन रही थी, स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे मैंने बनाए थे। तो ये जो स्कूल की बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गई, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का रहने वालों का घर है, ये बिल्कुल फ्री होता है। और मैं आपको स्कूल की जो बिल्डिंग है दूसरी साइड से आपको दिखा देता हूँ, जो कि पूरी तरह अभी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से तैयार है स्कूल की बिल्डिंग, ये काम बस ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर ये साथ में अपार्टमेंट, कुछ भाई इसके अपार्टमेंट के अंदर भी रहते हैं लेकिन वहाँ पर किराया खुद देते हो। तो यही इस वीडियो के अंदर जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा गाइस।